मनीष सिसोदिया इस देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री हैं। आज आप कहिए कि हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम नौसिखिए थे, हमसे गलती हो गई थी, और आप आज वही भाषा बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टियों ने। सब लोगों ने यही बोला कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र। आज ऐसा लगता है वो पूरी पूरी आत्मा जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर सवार हो गई, और एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल देने वाला शिक्षा मंत्री, बताइए पूरे भारत। ये तो वो पार्टी है जिसने की सत्ता में आने से पहले नारा दिया था सारी संसद चोर है, सारी संसद चोर है, सब मिले हुए हैं जी। आज इनके चरित्र में तो ऐसा लग रहा चोर चोर मौसेरे भाई। आप भी डंडा लेके हमारे सामने हमारे ऊपर तन जाते हो भाई। सुमन आप गांधी परिवार के करीबी है, मन अपने गांधी के एडवाइजर है, आपको सबसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछिए अर्चना गौतम कहती। तो आज के स्टूडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह को और आचार्य प्रमोद कृष्णन को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि संजय सिंह अपने नेता मनीष सिसोदिया का पूरा बचाव कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया से ज्यादा ईमानदार और कोई भी मंत्री नहीं है पूरे देश में। तो इसी बात पर जब सुधांशु त्रिवेदी ने फैक्ट के साथ बोलना शुरू किया तो इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था, और संजय सिंह बस बोले जा रहे थे कुछ भी अपने नेता के बचाव के लिए, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, जो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से देखिए। कुलदीप कुमार मामला फंसता जा रहा है, पहले सीबीआई या बीटी, क्या करिएगा? देखिए शराब घोटाले में डूब गई आम आदमी पार्टी। ये हमारे अमीश भाई, हमारे लिए ये बात बिल्कुल अचंभित करने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता था, हमने पहले ही कहा था अगर तोता आया है तो मैना भी आएगी, सीबीआई आया है तो ईडी भी आएगी, और इनको पता था कि कल मनीष जी की बेल पर सुनवाई होनी थी और उनको कल वहां से बेल मिल जाती, इसलिए आज ईडी पहुंच गई, क्योंकि इनका मकसद है मनीष जी को जेल में रखना। इनको डर, इनका जो खौफ है वो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से आज किस बात का खौफ, काम को दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, और दिल्ली के बढ़ते हुए विकास से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, ये नहीं चाहती कि गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। ये एक राहुल भी नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि जो खिलाफ बोल रहे हैं उसको अंदर कर देते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। राहुल गांधी बोले तो समझ में आता है भाई, वो छलनी है कांग्रेस पार्टी जिसमें 100-100 छेद है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कुलदीप जी, अगर आपकी यह आरोपों में आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या देश से माफी मांगेगी कि 10 साल पहले उसने ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए? आज आप कहिए कि हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम नौसिखिए थे, हमसे गलती हो गई थी, और आप आज वही भाषा बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टियों ने, लालू प्रसाद यादव जी से लेके मुलायम सिंह जी से लेके डीएमके पार्टी से लेके, और आज चाहे कि एक कविता बोल रही हो, सब लोगों ने यही बोला कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र। आज ऐसा लगता है वो पूरी पूरी आत्मा जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर सवार हो गई है। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं शराब के घोटाले की बात और शिक्षा मंत्री, देखिए अरे भाई ये तो पहले तो एक अनुसंधान करके बताइएगा भारत में कोई ऐसा उदाहरण जिसमें शराब मंत्री शिक्षा मंत्री हो, या आप पाठशाला को के बोर्ड के नीचे मधुशाला नहीं छुपा सकते। आपने क्या पॉलिसी विड्रॉ नहीं की? अगर की तो क्यों की? और एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल देने वाला शिक्षा मंत्री, बताइए पूरे भारत में। यह पॉलिसी संजय सिंह, संजय सिंह जुड़े हैं एक बोतल के बदले एक बोतल, संजय सिंह जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। देखिए ऐसा है कि मनीष सिसोदिया इस देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जहां मकड़ी के जाले लगे थे, वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। आज दिल्ली का इंटर का रिजल्ट पिछले 6 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है, और यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा शिक्षा का बजट देश का रखती है 2% से भी कम, स्वास्थ्य का बजट रखती है 2% से भी कम। संजय जी को सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, और जब संजय जी बोलेंगे मैं सुनूंगा, और हम लोग दोनों आपस में बैठ के फैसला भी ले लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि टीआरएस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर बीजेपी के इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो मैं समस्त विपक्ष से अपील करता हूँ, छोटे मोटे झगड़े अपने खत्म करिएगा, पहले बीजेपी की तानाशाही को निपटाइएगा, पहले इस बीजेपी की तानाशाही रोकिएगा। ये तानाशाही वो तानाशाही है जो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, ये तानाशाही वो तानाशाही है जो हवाई जहाज में एक मुकदमा दर्ज होने पर घुस करके नेताओं को उतारती है, ये वो तानाशाही है जो अपनी पार्टी ज्वाइन कराने पर तमाम एजेंसियों को छूट दे देती है, सबको क्लीन चिट दे देती है, ये वो तानाशाही है जो मनीष सिसोदिया पे, जिन पे आप मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी करते जा रहे हैं, एक बार जरा देश को बताइए तो 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर पर क्या मिला, गांव में छापेमारी हुई क्या मिला, दफ्तर में छापेमारी हुई क्या मिला, बैंक का लॉकर चेक किया क्या मिला, बताइए जरा देश को, जानकारी दीजिए। पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं,
दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, पांच दिन की सुधांशु का जवाब लेते हैं। सुधांशु जी का जवाब लेकिन मुझे तो याद आता है, ये तो वो पार्टी है जिसने की सत्ता में आने से पहले नारा दिया था सारी संसद चोर है, सारी संसद चोर है, सब मिले हुए जी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे दूसरे के खिलाफ, हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। और आज जो घटनाक्रम दिख रहा अमीश जी, मैं एक कहावत हिंदी की कोट कर रहा हूँ, उसे शब्दशा ना लिया जाए, आज इनके चरित्र में तो ऐसा लग रहा चोर चोर मौसे रे भाई, वो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर कि मतलब सारे के सारे कांग्रेस भाई के साथ मिलकर सारे मौसेरे भाई एक हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि पहले पहले जो बीआरएस ने कहा है राहुल जी के बारे में 200 से ज्यादा सांसदों पर निपटना है। आचार्य जी कह रहे हैं पहले बीजेपी से निपट लो फिर आगे निपट लेंगे। अरे भाई नहीं नहीं सुनिए, तो पहले वो आपस में निपट लें एक दूसरे को, ये भी है भाई थ्योरी है कि केजरीवाल जी किसी चीज पे साइन नहीं करते, बाकी निपटेंगे धीरे धीरे, बाकी सब छोड़िए। मैं एक बात और कह दूं, जो बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल हो गया है, तो मजे की बात यह है कि सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं वो 50 साल की उम्र में अध्यक्ष छोड़ दिए थे, यानी बीआरएस एक प्रकार से वो ले लिए थे, अब वो राष्ट्रीय तो रह नहीं गए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जाके भाषण दे रहे हैं, मतलब यहां का दल उनको क्षेत्रीय दल कह रहा है यानी राष्ट्रीय नहीं मान रहा है। और आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से धड़ाधड़ अंतरराष्ट्रीय मंचों से भाषण दिए पड़े हैं। जी जी, मेरे लिए ठीक है ये राहुल गांधी के ऊपर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी कभी देश को गाली दे सकते हैं? राहुल गांधी जी महान देशभक्त व्यक्ति हैं, लेकिन भारत की सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? अगर राहुल गांधी जी देश के खिलाफ बोलते तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहां कहां के भारत के खिलाफ बोला? राहुल गांधी जी ने भारत की सरकार के खिलाफ बोला, और सरकार के खिलाफ आज कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई है जी, चला तो क्या बोलेंगे अमेरिका को, बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम? नहीं आचार्य जी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को बोलेंगे कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें, इंटरवीन करें? उस बात की वकालत कर रहे हैं आप और कांग्रेस पार्टी? अरे भाई मानव गांधी परिवार के करीबी है, मानव प्रियंका गांधी के एडवाइजर है। अरे सुनिए अमीश सुनिए, आप लोग सबसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछिए। अर्चना गौतम कहती है कि प्रियंका गांधी के पीए ने उनके पिता को बुरा भला कहा, क्या बोलेंगे आप? प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह ने उनके पिता को बुरा भला कहा, बताइए क्या कहेंगे आप? तो सुना करो अमीश देवगन जी, आप भी डंडा लेके हमारे सामने हमारे ऊपर तन जाते हो, हमारी सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपकी नेत्री ने अर्चना गौतम आपकी पार्टी में है कि नहीं है? एक सेकंड आचार्य जी नहीं, रुकना पड़ेगा आपको। अर्चना गौतम किस पार्टी की नेताओं को रोकते हो ना? बिल्कुल नहीं रोका आपको मैंने आचार्य जी, बिल्कुल नहीं रोका मैंने आपको। अर्चना गौतम किस पार्टी की? सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा कि सारे के सारे विपक्षी दलों का जुड़ने का केवल एक मुद्दा है। मोदी जी इधर खड़े हुए जो कह रहे हैं 2047 तक भारत को निश्चित राष्ट्र नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनाना है, दूसरी तरफ वो दल खड़े हुए हैं जिन्हें अपनी अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक पार्टी। आचार्य प्रमोद कृष्णन और संजय सिंह अभी तो मिल गए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग बीजेपी को रोक सके, और संजय सिंह तो अपने नेता मनीष सिसोदिया को सबसे ईमानदार नेता साबित करने में लगे ही रहते हैं, वहीं आचार्य जी अपने नेता महान नेता साबित करने में हमेशा लगे रहते हैं, दोनों अपने नेता को बचाने के चक्कर में हमेशा फंस जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।